ये गाइस इधर देखें, खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं ये, इट इज़ वेरी सैड यार, यहीं पे रहते हैं और खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं। ये देखें आपको ये मतलब वीडियो देख के आपको कुछ अगर सैड फीलिंग करो तो गाइस प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, ठीक है। ये खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं, ये इधर ही सोते हैं, इधर ही रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आई फील सो बैड, ओके। दोस्तों जय माता, दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। दोस्तों न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत सैड होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको जो वीडियो की जो मतलब इसके अंदर दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत सैड होने वाले, आप देख के खुद ही आपको मतलब एक मतलब दिल में अजीब फील करेंगे, आप सैड फील करोगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में खास बात ऐसी होने वाली। इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना दोस्तों। इस वीडियो के अंदर पूरी एक कहानी बताते, मैंने आपको पहले भी एक शेयर की थी कहानी, थी उसके अंदर पूरी ये कहानी वीडियो के अंदर है आज दोस्तों। जैसे मैं यहीं से गुजारा था, मुझे पता था कि आपको ये वीडियो आपको देखनी थी, आपने कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था यार ये वीडियो हमको दिखाना, जो आपने एक मतलब जो कहानी स्टोरी आपने लिखी थी उसके स्टोरी के ऊपर मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ दोस्तों। तो ये वही बंदा है और ये यही यतीम बच्चों को इनको मतलब जो इनको खाना वगैरह यही खिलाते हैं, और ये मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल करते हैं, उसी के ऊपर बच्चों का मतलब जो पेट वगैरह पालते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके कोई भी हो दोस्तों को भाई को हेल्प करना चाहे तो हेल्प कर सकता है। यहाँ पे खुद आए, ये लोकेशन आप देख रहे हैं यहीं पे दोस्तों हैं ये, ठीक है। ये डिग्री रोड पर ये बंदा यहीं पर रहता है और इनकी जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें आप, ठीक है। तो ये मतलब चार बच्चे हैं जो यतीम बच्चे हैं, ये उनको मतलब जो परवरिश कर रहे हैं और ये खाना वगैरह इनको खिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही पुअर फैमिली से रिलेटेड करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को क्योंकि स्किप मरना और एंड तक देखना वीडियो की। चल से मिलवाने जा रहा हूँ, ये हैं यहाँ पे रहते हैं केंदू भाई हैं जो, तो मतलब ये बड़े इधर ही रहते हैं, ये बनाते हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ ये आप बनाते, खुद ही बनाते हो? हाँ खुद ही बनाते हो। अच्छा ये बता सकते हो फिर ये मतलब एक कितने का बेचते हो, सेल करते हो इसको? बस इसको सेल कोई मतलब 200 का है, 250 का है, 300 का है। अच्छा तो फिर रहते कहाँ आप? मैं इधर अभी तो पहले तो बलोचवार में रियाज थी, अभी इधर रियाज है। अच्छा हाँ। तो ये फिर मतलब एक कितने का बना लेते हो तकरीबन? बस ये बन जाता है मतलब 100-150 का खर्चा लग जाता है। हाँ 100-150 का खर्चा लग जाता है। हाँ। और उसी के बाद दूसरा वो सामान लगाने समय समय लग जाते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा ये मतलब ये जो अगर मिसाल तो रहे ये सामने जो लगे हुए ये मतलब ये भी आपने बनाए? हाँ ये आपने so guys, बने हुए ये देख रहे हैं ये खुद ही बनाते हैं। और ये जो बाकी ये हाँ। ये खुद बनाता हूँ। ये भी खुद बनाते हो? हाँ, खुद बना। So guys, ये देखो उनकी कितनी मतलब कारीगरी है और ये खुद ही बनाते हैं और रहते भी इधर हैं। तो यहाँ पे मतलब फिर भी आपकी कितनी मतलब कितना खर्चा हो जाता है इनका तकरीबन? खर्चा हिसाब करते नहीं। अच्छा बस ऐसे आते जाते आते जाते ऐसे ही काम था। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सोना फकीर है। सोना फकीर रहते हो इधर ही हो? हाँ रहते इधर है। अच्छा हाँ। सो गाइस ये देख रहे हैं आप खुद ही बनाते हैं, इधर ही रहते हैं और ये देख ले मतलब ये इधर ही खाए मतलब जो खाना पीना सब इधर ही बनाते हैं। और ये इनका मतलब यही एक झोंपड़ी यहीं पर बनी है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा हो सके इसको सपोर्ट करें। और ये देखें भाई इधर ही रहते हैं और इनके ख्वाहिश जो इधर ही सब इधर ही शिफ्ट बच्चे पालता हूँ। अच्छा ये बच्चे हैं वो? उसकी माँ अमीनी है। उसकी अमीनी है? तो आप उन्हीं की परवरिश खुद कर रहे हो? हाँ। अच्छा कितने बच्चे हैं उनके? उनके चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं? तो फिर ये मतलब इसमें गुजारा हो जाता है आपका? बस गुजारा नहीं होता है, क्या करें, कभी भूख होती है कभी कैसे। तो अभी मतलब एक अगर महंगाई की तरफ देखे तो महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है तो कभी जब तो बोल रहा हूँ कभी भूख कभी क्या है। फिर हो जाता है एडजस्ट? बस कर लेते सबको कर लेते हैं बंदे। अच्छा तो वक्त गुजारते रहते हैं। अच्छा तकलीफ से वक्त गुजरता है ना बाबा। चलो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं, वो भी आपको लोकेशन दिखा दें दोस्तों, ठीक है। बता रहे हैं अंकल जी इधर बात सुने। हाँ। एक तो बच्चा ये जो इधर खड़ा ये वाला। हाँ, एक अपने मामू से शादी है उधर चली गई। अच्छा ये इसकी मतलब मदर नहीं है इस दुनिया में इसकी? सो गाइस ये बता देख अंकल बता रहे हैं कि इसकी जो मदर है मतलब इसकी अम्मी जो इधर मतलब जो माता है जो मतलब जिसकी है नहीं है इस दुनिया में, वो मतलब छोटे थे मतलब चल बसी दुनिया से, ठीक है गाइस। तो वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे बड़ी बच्ची के साथ है। ओके गाइस
तो ये यहीं पे रहते हैं, ये एक मतलब प्लाटिंग बनी हुई है, इधर रहते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब इसी, ये उन्हों का मेहरबानी है जो इनको मतलब रहने के लिए दे रहे हैं, इधर प्लाटिंग बनी हुई है दोस्तों। सो गाइज ये लोकेशन, ये यहाँ पे जो खाना वगैरह बनाते हैं इधर बनाते हैं सारे, ये देखें यहाँ पे, तो ये इधर ही रहते हैं ये। अच्छा खाना इधर ही बनाते हो आप? तो गाइज ये देख लें, ये खाना वगैरह इधर बनाते हैं, ये मतलब इधर ही रहते हैं, इधर ही सोते हैं दोस्तों। तो जितना ज़्यादा हो सके इनको सपोर्ट करें अंकल को, और यहाँ पे अगर कोई भाई एनजीओज या कोई भी हो तो इनको सपोर्ट करें काइंडली, क्योंकि इनके मतलब घर में सिर्फ ये बोले बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, ये खुद इनको मतलब पाल रहे हैं। और कितने बच्चे हैं टोटल, मतलब आप बता सकते हो टोटल बच्चे? चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं जिनको मतलब ये इनको खाना वगैरह यही देते हैं। तो फिर आपने बाहर देखा होगा वहाँ पर जो कुछ लटके हुए, जो जो चीज़ें सेल करते हैं उसी के ऊपर खाना वगैरह बनाते हैं, मतलब उसी को सेल करके बनाते आगे दोस्तों। जो जितना ज़्यादा सके इनको भाई को सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। सो गाइज ये देख लें, ये बता रहे हैं कि ये खुद ही बनाते हैं, ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं इनकी, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं ये देखें, और ये देखें बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन बनाया है इन्होंने यहाँ पे, ये देख लें खुद ही, ये देखें ये पूरा डिज़ाइन उन्होंने खुद बनाया है यहाँ पे, ब्यूटीफुल यार। वैसे हम देख लें, आप अगर शहर में से लेते हो तो एक इधर से ले सकते हैं, क्योंकि ये भी उनका कुछ ना इधर से बन जाएंगे, ये देख लें। और ये इधर झोंपड़ी के सामने इधर ही रहते हैं। शो नाम है दारू हाँ राजू घना भाई दो हाँ बेनो हाँ बे बेनो बे भाई हो, ठीक है। और तुम? ये गाइस इधर देखें, खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं, ये इट इज़ वेरी सैड यार, यहीं पे रहते हैं और खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं। ये देखें, आपको ये मतलब वीडियो देख के आपको कुछ अगर सैड फीलिंग करो तो गाइस प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, ठीक है। ये खाना वगैरह इधर ही बनाते हैं, ये इधर ही सोते हैं, इधर ही रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आई फील सो बैड। ये पूरी दोस्तों लोकेशन है, यहाँ पे देख लें, इधर ही रहते हैं ये पूरे, मतलब इधर ही जो भी हैं सोते हैं इधर ही हैं, ये देख लें लोकेशन है ये पूरी, ठीक है गाइस। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इनकी लोकेशन इधर ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देख लें, ये बता रहे हैं अंकल जी इधर बात सुने, एक तो बच्चा ये जो इधर खड़ा ये वाला, हाँ एक अपने मामू से शादी है उधर चली गई। अच्छा ये इसकी मतलब मदर नहीं है इस दुनिया में इसकी? सो गाइस ये बता, देख अंकल बता रहे हैं कि इसकी जो मदर है, मतलब इसकी अम्मी जो इधर, मतलब जो माता है, जो मतलब जिसकी है नहीं है इस दुनिया में, वो मतलब छोटे थे, मतलब चल बसी दुनिया से, ठीक है गाइस। तो वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। बाकी बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे बड़ी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ है। ओके गाइस, तो ये यहीं पर रहते हैं, ये एक मतलब प्लाटिंग।